नमस्कार, सीधी सट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आज सीधी सट बातचीत के लिए हमारे साथ हैं नेशनल पीपल्स पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीधी सट में। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल पीपल्स पार्टी, लेकिन यहाँ पर जो एक टर्म यूज होता है वो होता है PPP यानी पति पत्नी पार्टी। आप और गोलमा जी, दो के अलावा कोई नेता ही नज़र नहीं आते इसमें। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे इस समय 4 विधायक हैं और हम 2013 के विधानसभा चुनाव में 133 सीट पर चुनाव लड़े थे और 17 सीट ऐसी हैं जिन पर हम बड़ी थिन मार्जिन से हारे और हमारी सत्ताधारी दल BJP के कैंडिडेट से टक्कर हुई थी। इसलिए ये पति पत्नी की पार्टी है ऐसा नहीं है। और हमारी राज्य स्तर पर तीसरी पार्टी है, 4.5% वोट आए, चौथे पर बसपा है और हमारे राज्य में 4.5% वोट आए। तो तीसरी जो शक्ति की बात कही जाती है, हर बार ये कहा जाता है कि तीसरी शक्ति के बिना सरकार नहीं बनेगी, तीसरा दल उभर करके आएगा, लेकिन राजस्थान में इसको कभी नजर नहीं आता। जनता दल का उदय हुआ था लेकिन जनता दल और BJP का जो गठबंधन था उसकी वजह से उस वक्त कांग्रेस सत्ता से बाहर। ऐसा कभी प्रयास राजस्थान के नेताओं ने नहीं किया, इसलिए राजस्थान की जनता का सोच नहीं बना थर्ड फोर्स का। राजस्थान एक राज्य, सबसे बड़ा राज्य है भौगोलिक दृष्टि से देश का जी। तो पूरे राज्य के चारों कोनों से सभी जाति वर्ग के लोग इकट्ठे होते, एक मंच पर बैठते और कोई योजना बनाते तो और राज्यों की तरह से निश्चित रूप से या तीसरी ताकत खड़ी होती। लेकिन मैं तो अकेला ही था, मेरे साथ कोई नहीं था और अकेले ने अपने स्तर पर 133 सीटों पर चुनाव लड़ाया और 4.5% वोट ले गए। इस कारण से चूंकि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, ये दिमाग राजस्थान की जनता का बना हुआ है, लेकिन इसलिए कांग्रेस को लगता है कि आपने ताकत की तरफ सोचते नहीं। कांग्रेस को लगता है कि आपने जो उम्मीदवार उतारे थे उसकी वजह से कांग्रेस डैमेज हुई, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, फायदा BJP को हुआ। नहीं, बात सही है कि हमने जो सीट उतारी और हमारे साथ जो हमने जो चुनाव लड़ा थर्ड फोर्स के रूप में, हम राज्य में 200 में से 133 सीटों पर लड़े और हमारा जो वोट बैंक था वो जीवन भर कांग्रेस का पुश्तैनी वोट रहा है जिसको हमने तोड़ा है और उसके कारण करीबन 42 सीटों पर कांग्रेस को नुकसान हुआ और उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। मेव मीणा वाला आप एक कंपोजिशन बना रहे थे पूर्वी राजस्थान। मेव में भी नगर कामा, रामगढ़ और अलवर ग्रामीण ऐसी 3 सीट थी जिसमें से हम अलवर ग्रामीण और नगर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से टक्कर में रहे, कांग्रेस तीसरे पर पहुंची तो उसके सकारात्मक परिणाम आए थे। मेव का वोट भी जो कांग्रेस को जाया करता था वो हमारे साथ जुड़ गया, इसके कारण भी कांग्रेस को नुकसान हुआ करीबन 8-10 सीटों पर। लेकिन इन दिनों में चर्चा ये आम हो चली है कि जो जो चुनाव करीब आ रहे हैं 2018 के, 2019 के, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आप ही इसके नेता हैं, वो अब कोई नया ठोर ठिकाना ढूंढ रहे हैं, नया रास्ता तलाश रहे हैं, विचार परिवार से भी हैं, आप संघ से जुड़े रहे हैं। ऐसा है, मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था छात्र जीवन में, वहाँ संघ की शाखा चलाया करता था और उस समय जनता पार्टी का राज था गुजरात में, पूरे देश में इमरजेंसी थी, वहाँ से मैं सामग्री लाता था आपातकाल विरोधी और उसको वितरित करता था बीकानेर संभाग में, जिसके कारण मैं पकड़ा गया और मीसा में जेल में डाल दिया गया। और चूंकि मैं संघ विचारधारा का हूँ, संघ पृष्ठभूमि का हूँ, अब भी गुरुदक्षिणा करता हूँ और यथासंभव संघ की शाखाओं पर समय निकाल कर जाने की कोशिश करता हूँ। वो तो हुआ मेरा विचारधारा का पक्ष, जो जब तक जिंदा हूँ, इसलिए आपको माना जाता है कि आप विचार परिवार से। हाँ, तब तक जिंदा हूँ जब तक मैं विचार से जुड़ा रहूँगा। लेकिन जो विवाद राज्य में खड़ा हुआ आरक्षण का, उस मामले को लेकर मुख्यमंत्री जी के दिमाग में, वसुंधरा जी के दिमाग में कुछ रिजर्वेशंस हो गए वो मेरे से। लेकिन वो तो अब मीना और मीना वाला जो विवाद है वो तो सॉर्ट आउट हो चुका है, यानी रास्ता तो आपका तय हो चुका है, नहीं कोई विवाद अब उस तरह का कोई है नहीं। मीना मीना का विवाद तो बाद में
आया है। पहले विवाद था एसटी आरक्षण देने का, उसका हमने विरोध किया था, और प्रदेश में हिंसा हुई थी उसका भी विरोध किया था। और उस कारण से एक तो कारण वो रहा, और दूसरा खुद वसुंधरा जी ने चुनाव के नज़दीक 2008 में से पहले मेरे से ये कहा था कि जो प्रभाव क्षेत्र की 30 सीटों हैं इन पर आप कैंडिडेटों को नाम बताओ। उनके कहने पर मैंने तीन तीन उम्मीदवारों को पैनल दिए और उनको टिकट नहीं देकर जो कैडर वर्कर है उनके टिकट काट दिए गए, और जो एंड टाइम पर जिनके कांग्रेस से टिकट कट गए या विचारधारा के विरोध में थे ऐसे लोगों को टिकट दे दिए गए। तो मैंने इसको वसुंधरा जी से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक विरोध किया, तो उस कारण से मेरे को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन ये सिलसिला तो अब केंद्रीय स्तर पर भी चल रहा है, कांग्रेस से तमाम नेता आते हैं, पार्टी टिकट लेते हैं, एमपी बन रहे हैं, बीजेपी का जो विस्तार हुआ है। और किसी भी दल के लिए ये कहा जाता है कि जब वो विस्तार के रास्ते पर होती है, वो रास्ता विस्तार का नहीं था। जिसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, शैलेंद्र जी जोशी का टिकट कटा, कांग्रेस ने मना कर दिया बांदीकुई से, और वो पहुंचे बीजेपी में और उन्होंने टिकट दे दिया। हमारे वहाँ कैडर वर्कर है, हमारे वहाँ पार्टी से 20-25 साल से लोग काम कर रहे हैं। शैलेंद्र जी का तो मैंने उदाहरण दिया है, वो अच्छे आदमी हैं। लेकिन इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे, वक्त है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेगी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से सीधी सट। सीधी सट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सीधी सट बातचीत के लिए नेशनल पीपल्स पार्टी के नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि विचारधारा के आधार पर आपके साथ कुछ दिक्कतें हुई, कैडर बेस्ड लोगों की अनदेखी हुई, लेकिन अब जो बीजेपी में विस्तार हो रहा है पूरे देश में, जगह जगह अलग अलग पार्टी से लोग आ रहे हैं, समाहित हो रहे हैं, और ये भी कहा जाता है कि विचार जब बदल जाए तभी अच्छा है, तो विचार लोग बदल रहे हैं, तो इसका मतलब तो आपका रास्ता बंद है बीजेपी माने का? नहीं, अगर उसी आधार पर आप वसुंधरा जी से अलग हुए। विचार बदले जी, लेकिन विचारधारा नहीं बदले, सिद्धांत नहीं बदले। पार्टी की जो पंचनिष्ठ है जिनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय और मुखर्जी प्रतिपादित कर गए हैं, अगर उन पर अटैक हो या उनको अनदेखा किया जाए तो उसको मैं आज भी ठीक नहीं मानता। और अगर इस ढंग से ये बात सही है कि कांग्रेस मुक्त भारत का प्रयास मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, उनको करना चाहिए, लेकिन कहीं भविष्य में जाके भाजपा कांग्रेस युक्त नहीं हो जाए, इसकी भी सावधानी बरतनी चाहिए। मैं वो तो उनकी पार्टी का फैसला है, मैं इसको विरोध नहीं करता, लेकिन कैडर को ख़त्म करके आप आगे बढ़ोगे तो इसके परिणाम दूर भविष्य में ठीक नहीं आने वाले, ऐसा मेरा सोच है। इसलिए मैं तो विचारधारा से पला और बड़ा हुआ हूँ, विचारधारा से बंधा हुआ रहा हूँ, और इसी कारण से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने, सोनिया गांधी जी, राहुल जी ने मेरे को 2009 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ने का कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। आपको पता है मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और 1,48,000 वोट से जीत कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हरा के संसद में पहुंचा। पहले भी मैं जब 89 में लोकसभा का सदस्य बना था तो सर्वाधिक मतों से राजनीति से जीत के मैं गया था, लेकिन बराबर मेरे 4 बार टिकट काटे गए, लेकिन मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, पार्टी की खिलाफत नहीं की, पार्टी छोड़ी नहीं। लेकिन अब की बार तो 2008 के चुनाव में मेरे को पार्टी से निकाल दिया, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि मैं चुनाव लड़ूं, और ऐसे 8 आदमी को चुनाव लड़ा के आनंद फानंद हम जिता के लाए। हमने भारतीय जनता पार्टी को पेशकश की, अगर आप सरकार बनाने के लिए तैयार हो तो पहले हम आपके साथ हैं। वो तैयार नहीं हुए तो हमने राज्य में कोई अस्थिरता नहीं हो इस दृष्टि से गहलोत साहब को समर्थन दे दिया। ये कहा जाता है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उम्र के इस मोड़ पर भी उसी अंदाज में हैं जिस तरह से छात्र राजनीति करते थे, वही उग्र तेवर, उसी अंदाज में राजनीति, वही एग्रेशन, और इसी की वजह से वो उस जो सियासी सांचा है उसमें फिट नहीं हो पाता। नहीं, जो आज की राजनीति का अंधा या नग्न दावपेच है, मैं उसमें फिट नहीं होता। मैं मौका प्रस्त नहीं हूँ, निष्ठा बदलने वाला नहीं हूँ, विचारधारा छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसलिए ये स्थिति बनी है। और
मैं इसके कारण चाहे कितना ही नुकसान हो जाओ, मैं उग्र नहीं हूँ। उग्रता तो वहाँ आती है जहाँ किसी दीनहीन गरीब परेशान महिला किसी व्यक्ति दलित को गिरिजन को कोई परेशान करता है तो मैं उसके साथ उग्रता से खड़ा हो जाता हूँ, उसका विरोध करता हूँ। आप सड़क पर उतरते हैं, भीड़ लेकर के उतरते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। पर आपने मैंने अभी तक पिछले साल 6 रैलियों में बड़ी बड़ी कर चुका। एक रैली तुरंत कूच का आह्वान कर दो, दो, दो अक्टूबर 2016 को सबसे बड़ी रैली जयपुर में की थी। इससे बड़ी रैली जयपुर में आज तक नहीं हुई और उसके बाद में लगातार 6 रैलियां और की। लेकिन किसी में भी कहीं हिंसा हो हुई हो, तिनका भी हिला हो, तो ऐसी स्थिति हमने आने नहीं दी। देश में लोकतंत्र नहीं, लेकिन आपकी रैली होती है, रैली होते ही पूरा पुलिस प्रशासन आप कूच का आह्वान करते हैं, वो एक तनाव में आ जाता है, पूरी तरह से फोर्सेज एक्टिव हो जाती हैं, उनको लगता है कि किसी भी तरह की समस्या हो सकती है। देखो, और ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर किरोड़ लाल मीणा को कभी भी अपराधियों तक को सपोर्ट करने में परहेज नहीं होता, ये भी आपके ऊपर एक आरोप है। आप एक भी ऐसा व्यक्ति बता दें कि मैंने इस अपराधी का सपोर्ट किया है, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूँ। मैं सदा अपराधियों के खिलाफत किए, और आपको जानकारी होगी कि मैंने 89 में जब मैं सांसद था, माननीय भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके विरोध के बाद भी मैंने डकैतों के खिलाफ बिहड़ में पदयात्रा की, और अभी गहलोत साहब के राज में 2010 में मैंने पुनः 2011 में डकैतों के खिलाफ धौलपुर और करौली के बिहड़ों में पदयात्रा की। उनको हमारे दबाव के जनता मेरे हजारों की तादाद मेरे साथ रही, जिसके कारण वो समाज कंटक दुर्दांत डकैत मारे गए, और सदा मैंने समाज कंटकों का गुंडों का बदमाशों का विरोध किया है, करता रहूंगा, इस बात का भरोसा मैं प्रदेश। अच्छा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जब जयपुर उद्योग का मामला होता है सवाई माधोपुर का, यहाँ पर आकर सिविल लाइन्स की फाटक पर बैठ जाते हैं, उस वक्त की सरकार का विरोध करते हैं, वहाँ से लेकर के अब तक खुद आप कभी एनालिसिस करते हैं कि आप में कितना बदलाव आया, आपने वक्त के साथ अपने आप को कितना बदला? देखो, मैं तो जब तो भरी जवानी में था, जब 1989 में जयपुर उद्योग सीमेंट सवाई माधोपुर की फैक्ट्री का आंदोलन चला था, और एक महीने तक मैं सिविल लाइन फाटक पर 5,000 लोगों को, महिला बच्चों को मजदूरों को धरने पर लेकर बैठ रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार की परेशानी शहर के लोगों को नहीं होने दी। गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से हर आंदोलन को किया है। वो बात अलग है कि कहीं सरकारी आंदोलन को कुचलना चाहे, वो लाठीचार्ज करे, असुरगैस करे, जेलों में डाले, ऐसे भी 2-4 बार हुए हैं। लाठियां भी खाई है? हाँ, लाठियां मैंने खूब खाई हैं। सीमेंट फैक्ट्री आंदोलन के अलावा दूसरी लाठी बहुत खाई है, इतनी लाठियां खाई हैं कि चोटी से एड़ी तक एक इंच जगह शरीर पर ऐसी नहीं बची जब पुलिस ने लाठी नहीं मारी हो। और आंदोलन के कारण, जनहित के आंदोलन के कारण मेरे पर 103 मुकदमे लगे हुए हैं, और करीबन 7 बार मैं जेलों में गया हूँ केवल जनता के लिए, व्यक्तिगत काम के लिए कोई मुकदमा ऐसा नहीं है। वो बात अलग है कि दुर्भावना से ग्रसित होकर मैं लोकसभा में था, सूरवाल के कांड में मेरे को लपेट मार। सूरवाल कांड पर भी हम बात करेंगे, वो वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेगी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से सीधी सट। सीधी सट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिन्हें उग्र राजनीति के लिए भी जाना जाता है, और आमतौर पर यह भी माना जाता है कि वो अपने नेतृत्व के खिलाफ भी आवाज उठाने से पीछे नहीं हटते। डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे हम सूरवाल कांड की। आपको पता है मैं 2009 में लोकसभा में निर्वाचित होकर गया था, और जिस दिन सूरवाल की घटना हुई थी, वो जो लड़का जो आंदोलनकारी था वो टैंक से कूदा और उसे गुस्से में आकर आक्रोशित भीड़ ने थानेदार को आग लगा दी, उस दिन मैं लोकसभा में था, प्रोसीडिंग में हिस्सा ले रहा था, लेकिन राजनीतिक द्वेष भाव से मेरे को उस मुकदमे में डाल दिया। अभी आपकी जानकारी में है कि राजनीतिक द्वेष भाव से मेरे को दबाने के लिए, मेरे मनोबल गिराने के लिए एक बलात्कार का मुकदमा एक महिला द्वारा राजनीतिक प्रेशर में मेरे खिलाफ दर्ज करा दिया गया। महिला जब मुकदमा दर्ज कराती है तो उसमें राजनीति कहाँ, आपको लगता है कि इस तरह के मामलों में इस्तेमाल होती है? इसलिए कि ठेठ गाँव की वह महिला जो मजदूरी करती है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसको बहुत प्रमाण पुलिस को मिल गए हैं कि उसके पीछे राजनीतिक हाथ थे, इसलिए कि एक बलात्कार के झूठे मुकदमे में मेरे को उलझा दिया जाए। और अगर वो सत्य है
तो किन्हीं राजस्थान की पुलिस मेरे को गिरफ्तार करती है, उसमें असत्यता है। मतलब आपको लगता है कि आपके ऊपर तलवार लटकाई गई है? ये तलवार है और ये उभय पक्ष उभय दलों के लोगों का एक षड्यंत्र है, योजना है। लेकिन आप जानते हो सांच को आँच नहीं है, सत्य परेशान हो सकता है। मधुकर टंडन के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ, मधुकर टंडन की वो तो सच्चाई थी, क्योंकि उस वक्त ये कहा जा रहा था कि राजनीतिक कारणों से उसको भी अटकाया गया। नहीं नहीं, वो तो सच थी, क्योंकि मधुकर टंडन के जो गार्ड थे वो दिल्ली में रहते थे, मधुकर टंडन के बंगले पर, उनकी धर्मपत्नी भी वहीं रहती थी और उसके साथ गलत बुरा काम हुआ और वहाँ से दौड़ के उसने वहाँ मुकदमा दर्ज कराया था। भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैं लेके भैरव सिंह जी से मिला था और भैरव सिंह जी ने जांच कराई थी। और आप जानते हो भैरव सिंह जी कैसे आदमी थे, निष्पक्ष, जिन्होंने गंभीरता से उस मामले को लिया और उसकी जांच हुई उच्च स्तरीय और डीआईजी साहब को दोषी पाया गया, जिसके कारण वो आज तक फरार है। लेकिन कहा तो ये जाता है कि भैरव सिंह शेखावत सरकार को गिराने के लिए जो एक उस वक्त चला था राजनीतिक घटनाक्रम, उसमें मधुकर टंडन के फार्म हाउस का इस्तेमाल किया गया और उसी के बाद मधुकर टंडन को सबक सिखाने के लिए आपके जरिए उस वक्त की सरकार जो थी मुखिया थे भैरव सिंह शेखावत। मेरी जानकारी में भी नहीं, आपने पहली बार नई बात बताई है। भैरव सिंह जी इलाज के लिए विदेश गए थे और वो जब वहाँ इलाज के दौरान वहाँ रहे थे तो पीछे से कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा था सरकार को गिराने के लिए। उसमें मधुकर टंडन की कोई भूमिका थी? उस समय भी हम, मैं तो भैरव सिंह जी के साथ था, हमारे सब साथी भैरव सिंह जी के साथ थे। अब हो सकता है इस मामले में बड़े ब्यूरोक्रेट्स का कोई हाथ हो, लेकिन एक आईपीएस अधिकारी, उस लेवल का अधिकारी पिछले 25 साल से गायब है, कभी आपने इस मुद्दे को उठाया वापस? नहीं, इसमें ऐसा है, मैंने जो भी बलात्कार का आरोपी दो बार विधानसभा में उठाया। एक बार कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि आदिवासी महिला के साथ बलात्कार करने वाले मधुकर टंडन को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस सरकार ने भी गिरफ्तार नहीं किया। भैरव सिंह जी मेरे समय उससे इसलिए छिड़ते थे कि वो जब एसपी अजमेर थे तब वो पैसे अपनी गाड़ी में ले जा रहे थे और उनको जयपुर एक्सीडेंट में गाड़ी में पैसे भी बिखर गए, तो बड़ी मात्रा में पैसे बिखरे थे उसके कारण। और भैरव सिंह जी भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ थे, तो हो सकता है ये थोड़ा रिजर्वेशन भैरव सिंह जी के दिमाग में हो, लेकिन बलात्कार हुआ था, भैरव सिंह जी इसको सही मानते थे, उन्होंने पुख्ता कार्रवाई कराई। भैरव सिंह जी को आप इतना वो मानते हैं, फिर भी कई मौके ऐसे आए जब ऐसा लगा कि आप भैरव सिंह शेखावत के भी खिलाफ खड़े हुए? ऐसा नहीं, कहा जाता था कि ललित किशोर चतुर्वेदी जी के प्रभाव में आप शेखावत का विरोध करते थे? मैं किसी के प्रभाव में नहीं आया। मैं तो क्या है कि जब सर्वाधिक मतों से जीता राजस्थान में लोकसभा में, तो उसके बाद भैरव सिंह जी ने कुछ ऐसे लोगों को जिनके बैकबोन नहीं है उनको पालना चालू कर दिया, आज वो कहीं भी नहीं है। चार आदमियों को ऐसे को टिकट दिया मेरे टिकट काट के, जो उनका नामो निशान राजनीति में नहीं है, वो केंद्र में मंत्री तक रह गए, बड़े बड़े पदाधिकारी संगठन में रह गए। ऐसे लोगों को जब प्राथमिकता भैरव सिंह जी देने लग गए तो मैं दूर हो गया। मैं भैरव सिंह जी से टकराया नहीं, पहाड़ से टकराना बेवकूफ़ी का काम था, लेकिन उनकी क्यों कुदृष्टि हुई ये तो वो ही बता सकते थे। पर अंतिम क्षणों में मतलब शेखावत भी आपसे किन्हीं कारणों से नाराज हुए या आपको उन्होंने दरकिनार करने की कोशिश की? गहलोत से भी आप संतुष्ट नहीं, वसुंधरा जी से भी संतुष्ट नहीं? सबसे बड़ा कारण मेरे को जो समझ में आता है वो ये था कि मैं संघ की या भारतीय भवन की बात मानता था। वसुंधरा जी का तो जो मैंने कुछ टिकटों के लिए उनको बताया था, उन्होंने आगे से मेरे से पूछा था, मैं कैडर वर्कर के लिए अड़ा था, उन्होंने बाहरी दरवाजे से लोगों नहीं, सुझाव मांगना एक अलग चीज़ होती है, उस सुझाव पे अमल हो ये आप क्या अधिकार मानते हैं? नहीं, कतई अधिकार नहीं है। सुझाव मांगना, सुझाव देना हमारा अधिकार है, आपस का पार्टी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन आप कैडर वर्क को सत्ता श्रीपाल सकता हो सिंसियर वर्कर है ईटीवी में, और उसको हटावे के कैसे आदमी को लगा दिया जाए जिसका ईटीवी के प्रति कोई डेडिकेशन नहीं है, ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जिसका दे दिया जाए जिसका वो एक मैनेजमेंट का डिसीजन है, मैनेजमेंट अपने लिहाज से सोचता है। पर वो जो मैनेजमेंट का डिसीजन था उसमें सब हार गए और वसुंधरा जी सत्ता से बाहर हो गई, तो इसलिए मैंने विरोध पार्टी के कभी डायलॉग हुआ पार्टी के हित में विरोध किया मैंने संगठन के हित में किया कभी डायलॉग हुआ मेरा डायलॉग अभी 4 महीने पहले हुआ था, मीणा विवाद हुआ था जब मैं वसुंधरा जी से मिला था और उन्होंने पॉजिटिवली उसको लिया और हमारी मदद की और उसका समाधान निकाला। आप एनडीए के अलायंस हैं केंद्र में, यहाँ पर आप बीजेपी के खिलाफ हैं,
क्या संभावना लगती है आगे की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप बहुत जल्द विचार परिवार की तरफ जा सकते हैं, वसुंधरा जी के एक ट्रबल शूटर के बतौर वापस उनके साथ खड़े हो सकते हैं। मैं तो सदा ट्रबल शूटर रहा। जब वसुंधरा जी राज्य में आई तो बड़े बड़े नेताओं ने उनकी खिलाफत की, लेकिन मैं चूंकि एक नया परिवर्तन राजस्थान में लाना था तो मैं वसुंधरा जी के साथ लगा, मजबूती से लगा। हमारे जो राजनीति में गुरु हुआ करते थे वो भी इससे रुष्ट हुए, लेकिन मैंने उनकी परवाह न करके मैं उनके साथ लगा और 120 सीटों से पहली बार राज्य में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आई। लेकिन अब भी मेरा कोई विवाद नहीं है न किसी नेता से न किसी व्यक्ति से, ये क्योंकि मैंने 40 साल तक कांग्रेस विरोधी राजनीति की है, इसलिए मैं कांग्रेस में जाना नहीं चाहता। और भारतीय जनता पार्टी में मैं, अगर भारतीय जनता पार्टी या दूसरा दल कांग्रेस भी ये समझे कि मैं एसेट्स हो सकता हूँ किसी के लिए तो उपयोग कर सकते हैं, अगर लायबिलिटी समझते हैं तो मेरा उपयोग ना करें। एसेट्स में जहाँ तक कांग्रेस का मामला है मैं कांग्रेस में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने कांग्रेस विरोधी राजनीति की है, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी तो बाहर से कांग्रेस को समर्थन दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, मैंने कोई ऐसी बड़ी गलती की नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये समझाएगी कि आपने ये गलती की जिसके कारण मेरे को पार्टी से निकाला। मैंने कोई गलती नहीं की, मेरे को पार्टी से निकाला। कुल मिलाकर गुंजाइश है बीजेपी के साथ वापस जाने की? गुंजाइश हो सकती है, लेकिन मैं किसी की शर्त के साथ पार्टी में नहीं जाऊंगा। मेरी भी कोई शर्त नहीं होगी, लेकिन कोई नेता अगर शर्त रखेगा तो मैं शर्त के साथ दल में शामिल होने वाला हूँ नहीं, और मेरे को किसी प्रकार का पद का लोभ है नहीं। MLMP तो बन के मैं वैसे ही आ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया उसके लिए। तो ये थी सीधी सट डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ। अगले सप्ताह फिर किसी शख्सियत के साथ बातचीत होगी। देखते रहिए ETV राजस्थान।